डॉक्टर जीतूवीच, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े यूथ पार्लियामेंट में आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन लोगों के बीच में मुखातिब हो सकूं। जरा तालियां बजाकर सभी ऑर्गेनाइज़र के लिए अभिनंदन करें। फिर मैं युवराज से लेकर अभी तक के जितने भी स्पीकर जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिए और मैं भी उनसे कुछ सीख लेकर जा रहा हूं, पर जो मुझे महसूस हुआ कि शायद आपने बताया वो कुछ और है और मैं समझ रहा हूं कुछ और है, उसका भी मैं जिक्र ज़रूर करूंगा। मित्रों, भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है। हम जब पहले गांव में जाते थे तो ऊपर लिखा होता था अतिथि देव भव। अतिथि भगवान का स्वरूप है। अब आप जाएंगे तो बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ये परिवर्तन क्यों है, कभी सोचा है इस बारे में? ये परिवर्तन इसलिए है कि जब आप किसी को मेहमान बनाकर अपने घर में लाते हैं और घर में आने के बाद वह आपकी बहन बेटियों की तरफ गलत नज़र से देखता है, आपकी तिजोरी की तरफ नज़र रहती है, आपको कहीं ना कहीं लूटने और खसोटने की कोशिश करता है, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। इसलिए लिखता है कि कुत्तों से सावधान। ये एकदम नहीं हुआ, ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने भारत का 2000 साल का इतिहास बताया। मैं बहुत लंबा इतिहास नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं। एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, आप सब विद्यार्थी हैं, सारी दुनिया के अंदर 45 मिनट का एक पीरियड होता है, ठीक है ना? कोई ऐसा विश्वविद्यालय तो नहीं है जहां 35 मिनट का या 40 मिनट का या 60 मिनट का पीरियड होता हो, ठीक है? सब दूर 45 मिनट का होता है ना? क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने मुझे बताया कि सारी दुनिया में 45 मिनट का एक पीरियड इसलिए होता है कि 45 मिनट तक व्यक्ति का मानसिक एकाग्रता बहुत अच्छी बनी रहती है, वह आपकी बात सुनता है। दूसरे 45 मिनट में आप भाषण देते रहोगे तो वो सुनेगा, थोड़ा सा असहज होके इधर देखेगा उधर देखेगा, यार पड़ोसी ने कितना अच्छा शर्ट पहन रखा है, इसने साड़ी कितनी अच्छी पहन रखी है, ध्यान कम जाएगा। और अगर तीसरे पीरियड में भी आप भाषण देते रहोगे तो सभ्य लोग होंगे तो बैठे रहेंगे, और थोड़े से भी अगर असभ्य लोग हुए तो पैर में जो निकाल है जूता वगैरह पहना वो निकाल के वक्ता को मार सकते हैं। मैं तीसरे पीरियड में आया हूँ, मुझे डर ये लग रहा है कि मैं तीसरे पीरियड में आया हूँ जीतू, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं जापान गया था एक बार भाषण देने के लिए, तो वहाँ के कुलपति ने सबसे पहले, ऐसे जापान में आपने देखा होगा झुक के अभिवादन करते हैं, ऐसे कमर पूरी झुकाते हैं, तो प्रोफेसर ने पहले कमर झुकाई फिर विद्यार्थियों ने बाद में कमर झुकाई। मैंने कहा क्यों, पहले विद्यार्थियों ने क्यों नहीं झुकाई? तो जापान के कुलपति जिस विश्वविद्यालय में गया था उन्होंने कहा कि ये हमारे उगते हुए सूरज हैं, हम सबसे पहले इनको प्रणाम करते हैं, और इसलिए मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि तीसरे पीरियड में आप मेरे साथ मित्रों इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई,
आप सोच रहे होंगे उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं। नई बात यह है कि जिस समय देश आजाद हुआ, इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नरम गद्दल ने आंदोलन किया, पर गरम दल के लोग भी थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों की आहुति दी जिस देश के लिए, शहीद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को जिस देश के लिए गले में पहना और भारत माता की जय वंदे मातरम बोला, क्या वह पूरा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ? सन्नाटा क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि वो पूरा देश जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, क्या वो पूरा देश आजाद हुआ? मैं अपने बात के प्रारंभ में एक दर्द आपको देना चाहता हूं। लोग खुशियां बांटते हैं, पर मैं एक राष्ट्र प्रेम का दर्द आपको देना चाहता हूं कि हर साल 15 अगस्त आप मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाएं, उन सब शहीदों को याद करें, किंतु एक दर्द अपने दिल में रखें छुपा कर कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, पर हमें जो आज़ादी मिली वह कटी फटी आज़ादी थी। ये दर्द अपने दिल में छुपा के रखें, और जब तक छुपा के रखें, जब तक अखंड भारत हम नहीं देख लें, नहीं तो ये दर्द दूसरी पीढ़ी को देके जाना मित्रों, ये दर्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस देश में बहुत कुछ पाया है पर बहुत कुछ खोया भी है। जो खोया है उसको पाने का संकल्प आज नहीं कल, कल नहीं परसों, निश्चित रूप से पूरा होगा। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, वैसे ही अन्य समस्याओं का भी निराकरण होगा। एक बार देश फिर से शहीद भगत सिंह का आज़ाद होगा। अगर हम भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस दर्द को अपने दिल में संभाल के रखना मित्र। मैं मुझे याद आता है जब मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूँ, देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत खूबसूरत थे, विदेशों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, गुलाब का फूल लगाते थे, बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से बोलते थे। विदेशों में पढ़े इसलिए नज़रिया भी अलग था सोचने का, समझने का, पर भारत के प्रधानमंत्री थे इसलिए विदेश और भारत की संस्कृति संस्कार के बीच में कई बार कन्फ्यूज़न होता था। उसका एक कन्फ्यूज़न का मैं उदाहरण बताता हूँ आप। एक गुजरात का बंदा था जो आज़ादी के बाद इस देश का गृह मंत्री भी रहा और उप प्रधानमंत्री भी रहा। पंद्रह अगस्त को आज़ादी मिली तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया और उसमें भारत के विभाजन का रेखा खींची गई। हमारे देश का विभाजन ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में देश का विभाजन हुआ, हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है पाकिस्तान, जैसा कि मेरे मित्र शांतनु ने बताया कि धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना, इस्लामिक राष्ट्र बना, भारत प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष, वो धर्मनिरपेक्ष के साथ एक शब्द का और सृजन हुआ, तुष्टिकरण। ये धर्मनिरपेक्ष तुष्टिकरण के कारण इस देश के अंदर एक अलग से पाकिस्तान भी बन गया। मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। सामने का पाकिस्तान हमें दिखाई दे रहा है, पर इस देश के अंदर एक अंदर पाकिस्तान बन गया जिसको हमें समझ में बहुत बाद में आया।
पर उस बंदे को जो गुजरात का था, जो गृह मंत्री था, जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कराया था, जब 600 से ज़्यादा रियासतें थीं, कुछ पाकिस्तान में चली गई, कुछ भारत में बची, भारत में 530 रियासतों को कैसे भी किसी भी तरीके से शाम दाम दन भेंट से 529 रियासतों को भारत सरकार में मिला दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक हाथ में उनके गाजर होती थी और एक हाथ में लठ होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में अंतर ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, बड़े उदारवादी थे, विदेशों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पर सरदार वल्लभ भाई ठेठ किसान थे, वकील थे, एक हाथ से गाजर खाते थे, रियासतों के वजीर को बुलाते थे, कहते थे तू भी गाजर खा, अगर वो सम्मिलित होने की बात नहीं करता तो डंडा ठोक देते थे, ठेठ काम करते थे। वो ठेठ काम जम्मू कश्मीर में भी करना चाहते थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई सरदार साहब, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, इस राज्य को तो बख्श दो, इस राज्य को तो मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, पर इस देश के अंदर धारा 370 लगी, इस देश के अंदर एक विधान, दो विधान, दो प्रधान का कॉन्सेप्ट आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई है और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जन्म बंगाल में हुआ था। ये बंगाल जो बचा हुआ है, ये भारत के विभाजन के वक्त पूरा जा रहा था। इस भारत को यदि बचाने, इस बंगाल को यदि बचाने का काम किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कटा फटा बंगाल बचा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण बचा। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब आंदोलन किया था, गांधी जी की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि ये नौजवान बहुत अच्छा है, इसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए, बड़ा आंदोलनकारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। लियाकत नेहरू समझौता हुआ, समझौते में ये बिल्कुल था कि हम जनसंख्या एक्सचेंज करेंगे, हमने आराम से पाकिस्तान जाने वालों को जाने दिया। पर मित्रों, पाकिस्तान ने भारत विभाजन के वक्त हमको एक तोहफा दिया, वहाँ से लाशों से भरी हुई हिंदुओं की ट्रेन कलकत्ता में आके रुकी और कुछ लोगों ने बताया इंदौर में एक सिंधी परिवार है, 108 साल की महिला का पिछले साल ही निधन हुआ है, उसने कहा मैं अपनी दो जवान 14 और 16 साल की बेटी को छोड़ कर आई हूँ, लोग छीन के ले गए मुझसे, मैं अपनी जान बचाकर अपने दो बेटों के साथ भारत में आई। ये एक दर्द नहीं है, बहुत सारे दर्द हैं पाकिस्तान के विभाजन के। मैडम बहुत विद्वान हैं, पढ़ी हुई हैं और विदेशों में भी अध्ययन किया। मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, पार्लियामेंट की मेंबर हैं आप, आपने जिक्र किया कि घुसपैठियों के लिए पहले कोई कानून था नहीं और ये शायद 83 में बना। मैं सिर्फ आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूँ कि वह गुजरात का बंदा जो इस देश का उप प्रधानमंत्री था, उसने महसूस कर लिया था कि घुसपैठिए आएंगे। जब जम्मू कश्मीर को सरदार पटेल मिलाना चाहते थे, लेट हो गई, पाकिस्तान की भी जम्मू कश्मीर पर नज़र थी, उन्होंने कबालियों को भेजकर वहाँ पर जब हमला करा दिया, पहला घुसपैठ भारत के अंदर भारत विभाजन के बाद कबालियों ने किया था। युद्ध हुआ, भारत की सेना गई वहाँ, भारत की सेना कबालियों को भगा रही थी, उसी वक्त एक निर्णय हुआ सरकार की ओर से युद्ध विराम। पीओके जो कश्मीर का हिस्सा था वो आज भी पाकिस्तान के पास है,
जब मैंने ये कहा कि 15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, एक दर्द आपके सीने में है, तो ये दर्द भी आपके सीने में छुपा के रखिए कि पीओके भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास गया हमारी गलत नीति के कारण। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर इतिहास इस बात का साक्षी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में घुसपैठियों के लिए कानून बनाया, पर मुस्लिम परस्त राजनीतिज्ञों ने उस कानून को अमल नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में आप देख लीजिएगा, मैडम आप उसकी सदस्य हैं, 1957 में उस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। फिर घुसपैठियों की हरकत 1962 में दिखाई दी, जब चाइना ने हम पर युद्ध किया, आसाम के अंदर घुसपैठियों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। जब पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, उस वक्त सारे देश में घुसपैठियों की हरकत सामने आई। आसाम के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्शन ली, एक ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल बनाकर घुसपैठियों को चिन्हित करने की कोशिश की। 64 से लेकर 70 तक, 1964 से लेकर 70 तक 2.5 लाख घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर लिया। मित्रों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि तब आसाम के 20 मुस्लिम विधायकों ने, फकरुद्दीन अली अहमद, नाम सुना है आपने, नाम सुना है, जोर से बोलिए, मैं रिस्पॉन्स से आता हूं, फकरुद्दीन अली अहमद, नाम सुना है आपने, इस देश के राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में 20 मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधिमंडल देश के मुस्लिम नेताओं से मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला जब वो प्रधानमंत्री थी, कि यदि इसी प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे तो मुस्लिम वोट देश का नाराज हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि आप घुसपैठियों की छेड़छाड़ बंद करिए। शांतनु भाई ने बताया, उसके बाद 92 में आसाम के मुख्यमंत्री थे मिश्र शेकिया, आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन होने लग गया, असम गणराज परिषद आंदोलन हुआ, छात्र परिषद, आप सब इस बात के साक्षी हैं, सारा इतिहास इस बात को बताता है। उस वक्त शेकिया जी ने फिर कहा कि लगभग 30 लाख घुसपैठिए हमारे प्रदेश के अंदर आ चुके हैं, जो हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत खतरा है, हमारा लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है। फिर वही मुस्लिम परस्त राजनेताओं ने सरकार गिराने की धमकी दी, फिर मिस्टर सेकिया को अपना कदम वापस लेना पड़ा। घुसपैठियों की समस्या इस देश में आज़ादी के बाद से ही थी, पर हमने इग्नोर किया। ये धर्मनिरपेक्ष और तुष्टीकरण दो शब्द हैं, ये वोट की राजनीति। मैं अहमदाबाद में बहुत जवाबदार लोगों के बीच में बोल रहा हूं, और बहुत जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं। मेरे मित्र हैं प्रदीप जडेजा, यहाँ के गृह मंत्री हैं, मैं उनके चुनाव में आया था, प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि इस बस्ती में नहीं चलेंगे, बोलिए मिनी पाकिस्तान है। अहमदाबाद में मिनी पाकिस्तान है, ये क्या मानसिकता है। मैं मुंबई चुनाव में गया, एक झोपड़पट्टी बहुत बड़ी, मैंने कहा हम चलते हैं प्रचार करने, नहीं ये मिनी पाकिस्तान है। मैं कलकत्ता में गया, 5 साल से बंगाल का प्रभारी हूं, मुझे प्रशासन ने नहीं जाने दिया, आप वहां नहीं जा सकते। मैंने क्या हुआ, बोली मिनी पाकिस्तान है। ये देश के अंदर मिनी पाकिस्तान क्या है, क्यों बना,
और मित्रों जो मैंने कहा कि धर्म निरपेक्ष तो तुष्टिकरण की नीति के कारण एक पाकिस्तान सामने है जिससे हमारे सैनिक लड़ते हैं झगड़ते हैं, उन्हें एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार पटकनी दी है। पर जो हमारे अंदर पाकिस्तान है, जो धर्म निरपेक्ष तुष्टिकरण की नीति के अंदर इस देश की राजधानी के विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा आपने भी सुना मैंने भी सुना। जब धारा 370 मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हटाई, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर गया, मैंने कहा देखे तो सही कितने अफजल निकल रहे हैं यहां से। मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिसर से मिला, वहाँ पर महामहिम राज्यपाल मलिक साहब थे, बोले देखिए यहाँ के युवाओं का जोश। मैंने कहा क्या है, बोले चलिए मेरे साथ। तो मैंने कहा आप मत चलिए अच्छा नहीं लगेगा, आपकी अपनी एक गरिमा है। बोले नहीं आप मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा नहीं आप मुझे बता दीजिए मैं जाता हूँ। मैं एक बड़े मैदान में गया, वहाँ BSF की भर्ती चल रही थी, जम्मू कश्मीर के लगभग 20,000 से ज़्यादा नौजवान वहाँ टेस्ट दे रहे थे। मैंने कहा इसमें तो एक भी अफजल नहीं है। फिर किसी ने कान में कहा कि मोदी जी और अमित शाह के कारण अफजल पैदा करने वालों ने परिवार नियोजन करवा लिया। मित्रों अगर 5 साल पहले आप मुझसे पूछते कि ये जो घुसपैठिए हैं उसके कारण देश का क्या होगा, तो मैं कहता कि शायद एक बार फिर से इस देश का विभाजन होगा। पर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन हाथों में इस देश का नेतृत्व है, इस देश का विभाजन तो नहीं होगा पर कुछ पड़ोसी देशों का विभाजन होकर हमारे देश में मिल सकता है। ये ताकत है इस देश की, ये नेतृत्व की ताकत है, और नेतृत्व हमारे देश की जनता ने दिया। पता नहीं मुझे कहा गया था कि 20 मिनट बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, मेरा तीसरा पीरियड भी चल रहा है। मैं आप लोगों की तरफ बड़े गौर से देख रहा हूँ, आपकी हरकत को देख रहा हूँ कि कोई उछल के इधर कुछ नहीं आ जाए। पर मैं इतना वादा करता हूँ, अब देश सुरक्षित हाथों में। घुसपैठियों को अपनी सीमा में रहना पड़ेगा। मैं 5 साल से बंगाल में हूँ, मैंने नज़दीक से देखा है घुसपैठिए क्या होते, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करते हैं। आने के पहले मैं एक आंकड़ा लेके आया कि 2 साल के अंदर 5,83,00,000 रुपए के नकली नोट बंगाल से पकड़ाए, 5,83,00,000 ये पकड़ाए हैं, इसका मतलब कितने चले होंगे। और ये सब नोट चलाने वाले लोग कौन हैं, घुसपैठिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मैं एक चैनल का नाम और एक पत्रकार का नाम यहाँ पर जानबूझ के उल्लेखित कर रहा हूँ, आज तक के राहुल कंवर, जब मैंने उनसे कहा कि आके देखो मिनी पाकिस्तान, मैंने कहा मैं ले जाता हूँ तुमको मालदा जिले में। वो मालदा जिले में गए, उन्होंने वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया, उनको वहाँ पर AK-47 दिखाई गई, उनको वहाँ पर बांग्लादेश में छपे हुए नोट और पाकिस्तान में छपे हुए नोट 5,00,000 के 7,00,000 रुपए देंगे और 5,00,000 के 7,50,000 देंगे। बांग्लादेश के सस्ते क्यों हैं, बोले इनकी थोड़ी सी प्रिंटिंग खराब है, कभी कभी पकड़ा जाते हैं। ये राहुल
कंवर ने एक स्पेशल स्टोरी आज तक के लिए आधे घंटे की थी, मेरे आग्रह पर वो गए थे। जब मैंने वहाँ कहा कि बंगाल में मिनी पाकिस्तान है तो मुझसे बहस करने लग गए, तो मैंने कहा एक बार जाकर देखो। वो देख के आए, बोले कैलाश भाई बिल्कुल सही, ये जो मैं मिनी का पाकिस्तान और एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय तक पहुँच जाती है, और विश्वविद्यालय में यदि कोई नादान बच्चे नारे लगाएं तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है नादानी में लगा दिए, पर नादान बच्चों के साथ जब इस देश के बड़े राजनेता वोट की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की नीति के कारण उनकी पीठ थपथपाते हैं, बर्दाश्त करने वाली चीज ये नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं, इसको आप में से कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या कि कोई ये कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, इसमें से कौन इसको बर्दाश्त कर सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूं नजदीक से। ये देश धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और कुछ भी करके जाए। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की जय।